ओम शांति नमस्ते। 260वें दिन के ईश्वरी वरदान में आप सबका स्वागत है। और आज के ईश्वरी वरदान में परमपिता परमात्मा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो देखें, बाबा कहते हैं कि आज के ईश्वरी वरदान में बाबा कहते हैं, सर्व खजानों से भरपूर बन। खजाने क्या है? शक्ति का खजाना, ज्ञान का खजाना और मेडिटेशन का खजाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमात्मा के संग में रहने से उनकी जो शक्ति बढ़ती है, उनके जो गुण आते हैं, उनके जो प्रेम हमें मिलता है, वो हम औरों को बांट पाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो चेहरा ही दर्पण है, चेहरे पर सब कुछ दिखाई देता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो विस्तार में चले, बाबा कहते हैं, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनके नैनों और मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उदासी नहीं आती उनके चेहरे पर और सदा उनकी आंखों में रूहानियत होती है। बाबा कहते हैं, जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। अगर आपके अंदर रूहानियत है, अगर आपके अंदर सच्चाई है, पवित्रता है, तो आपके चेहरे पर दिखाई देगी। अगर झूठ होगा तो आप अपनी आंखें छुपाएंगे, आपका चेहरा दिखाई देगा काला पड़ा हुआ होगा, उसमें चमक नहीं होगी रूहानियत की। फिर बाबा कहता है, जैसे कोई उच्च कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है, चेहरे पे दिखाई देता है, कॉन्फिडेंस होता है उनके चेहरे के ऊपर, आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है, आत्मभरोसा होता है उनके अंदर, वो चेहरे से और आंखों से दिखाई देता है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे। अगर आपके संकल्प जो है वो आपके चेहरे पे आ जाते हैं, किसी के अंदर अगर ईर्ष्या होती है चेहरे पे आती है, आंखों से दिखाई देती है, घृणा नफरत भी आपकी आंखों से झलकती है। बोलते हैं, आत्मा जो सोच रही होती है उनकी आंखों से दृष्टि जा रही होती है। तभी कभी कभी क्या होता है, किसी के अंदर क्रोध होता है तो आप उससे आंखें नहीं मिलाते। क्यों नहीं मिलाते हैं? क्योंकि आंखों के अंदर उसका जो क्रोध है, वो जो वाइब्रेशन है, वो तरंगे आपको भी ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए आप उनसे आंखें नहीं मिलाते। आप नीचे देखते हैं या आप कहीं और देखते हैं या उनको इग्नोर करते हैं। तो ये सारे कारण उसके हैं। परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प और कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो सिर्फ बोलने से सेवा नहीं, आपके चेहरे और आपकी दृष्टि से सेवा हो सकती है। परमात्मा कहते हैं यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और परमात्मा, जैसे कल की भी सेवा में कहा था, कल के वरदान में, ये जो सेवा होगी, अंत की सेवा, वो आपकी सोच से होगी, आपकी वृत्ति से होगी। आपकी सोच और आपकी वृत्ति ही सबकी सोच और वृत्ति को चेंज कर पाएगी। बोलने से सेवा नहीं हो पाएगी लास्ट में। तो आज की ये श्री वरदान, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी सत्यता लग रही हो तो आप इसके बारे में नीचे कमेंट में अपना कमेंट डालें। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।